देश में धीरे धीरे सुस्त पड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर। पिछले 24 घंटे में 60,471 नए केस सामने आए। कोरोना से मौत बनी हुई है चिंता की खबर। देश में 24 घंटे में कोरोना से 2,726 लोगों की गई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 131 नए मरीज। एक दिन में 16 लोगों की मौत। देश में अब तक कोरोना से 3,77,031 लोगों की जा चुकी है जान। 9,13,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। दिल्ली एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल। आज होगी स्क्रीनिंग। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच तैयारी। अयोध्या में जमीन घोटाले में विरोधी दलों ने कसा शिकंजा। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। विपक्ष के बाद फिर बीजेपी का पलटवार। केशव प्रसाद मौर्य बोले, राम भक्तों के खून से रंगे हैं जिनके हाथ, वो ना दे नसीहत। आम आदमी पार्टी ने भी घोटाले पर बोला हल्ला बोल। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ईडी से जांच की मांग की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की सफाई। कहा, पूरी पारदर्शिता और सहमति से खरीदी गई जमीन। तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराए देना बाकी है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा और गैंगरेप की वारदातों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एसआईटी जांच की मांग। पीड़ित महिलाओं ने गैंगरेप की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। टीएमसी समर्थकों पर आरोप। करीब 50 बीजेपी विधायकों के साथ शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से की मुलाकात। सूबे में हिंसा और कानून व्यवस्था पर ज्ञापन सौंपा। बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने कहा, बंगाल में प्रजातंत्र अंतिम सांस ले रहा है। हिंसा और गैंगरेप पर सीएम का नहीं आया कोई बयान। सुनवाई से पहले टीएमसी की सफाई। चुनाव बाद हिंसा और गैंगरेप में टीएमसी का हाथ नहीं, पूरे मामले के पीछे बताया सियासत। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में एलएसी पर हिंसक झड़प के एक साल, 20 भारतीय जवान शहीद, कई चीनी सैनिक भी हुए ढेर। दोनों देशों के बीच विवाद निपटाने के लिए अब तक 11 राउंड की बातचीत फेल। चीन एलएसी पर है डटा। भारत के भी करीब 60,000 जवान मुस्तैद। मेहुल चौकसी पर डोमिनिका कोर्ट में भारत का हलफनामा। चौकसी भारत का नागरिक, उसे जल्द से जल्द भारत के हवाले करें। राजस्थान के जैसलमेर में एटीएस ने जासूसी के संदेह में एक शख्स को धरा। पूछताछ के लिए लाया गया जयपुर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाक सीमा पर पुलिस ने एक संदिग्ध कबूतर को पकड़ा। जांच जारी। कैमूर में पहली बारिश ने खोली पोल। अस्पताल बना तालाब, मरीजों की बढ़ी मुश्किल। अस्पताल के भीतर तक जल भराव, नर्सेस को ड्यूटी करने में दिक्कत। श्रीनगर में शुरू हुई बरसात, घाटी में मौसम सुहाना। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में भीड़, कोरोना से लापरवाह दिखे लोग। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस एनएसयूआई ने साइकिल से टेम्पो को खींचकर अपना विरोध जताया।